नमस्कार दोस्तों, मैं तानिया। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए नई रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ जो कि ओएससी में निकली हुई है। वन स्टॉप सेंटर जो पंजाब गवर्नमेंट का है उसकी तरफ से वैकेंसीज हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीज, सारा मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने विजिट किया है फर्स्ट टाइम, तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। इसी से आपको फ्री में नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी या फिर कोई नई सरकारी नौकरी की जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की है। इसके लिए एक वैकेंसी है, अलग अलग पोस्टिंग है, आप सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके लिए सैलरी 25,000 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है लॉ डिग्री और मास्टर्स इन सोशल वर्क। नेक्स्ट जो है वो है पैरालीगल की, पर्सनल एंड लॉयर की, और उसके इसमें है एक वैकेंसी, 16,000 स्टार्टिंग सैलरी है। क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए भी सेम है। और केस वर्कर की नेक्स्ट पोस्ट है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। तो इसके लिए जो वैकेंसीज है वो दो हैं और सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 12,000। और उसके बाद देखिए पोस्ट है जो आईटी स्टाफ के लिए, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। दो पोस्ट है, स्टार्टिंग सैलरी है 15,000। ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है या फिर आईटी का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है काउंसलर की, काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, 15,000 स्टार्टिंग सैलरी है। और क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन सोशल वर्क और क्लिनिकल फिजिकोलॉजी। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मल्टीपर्पस हेल्पर के लिए, ये फीमेल के लिए है। दो पोस्ट है, 10,000 स्टार्टिंग है, 10th पास के लिए है। तो 95% से अबव वैकेंसी जो वो फीमेल के लिए है, ज़रूर अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट है 27 जून। अप्लाई आपने कैसे करना है, वेबसाइट पर जाएंगे जो www.sangroor.gov.in, इस पर जाकर आपके पास ये लिंक होगा, ओके कर लेना है। आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, एक मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोसेसिंग में। ये देखिए आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा, आप रिक्रूटमेंट नोटिस भी पढ़ सकते हैं, वैकेंसीज की लिस्ट भी पढ़ सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पर ओके कर लिया है। ओके करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स एग्जैक्टली फिल करके, डाउनलोड करके, जो वन स्टॉप सेंटर है संगरूर का, क्योंकि संगरूर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है तो पंजाब संगरूर के लिए ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आपने भेजना है। ये एड्रेस आपको नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है वेबसाइट पर, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ज़रूर इस जॉब को अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।